अगर गैस आज का ये वीडियो को लास्ट तक वॉच करें ना, आप भी स्टेप से बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो। बिल्कुल गैस हेयर को डिटेट करके स्टेप से इरेज कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। गैस आपको पिक्सार्ट पर बैकग्राउंड इरेज करने के लिए शायद आपको 30 मिनट लग रहा होगा, और उससे भी ज्यादा होगा 40 मिनट होगा, क्योंकि मुझे भी 30-40 मिनट लग जाता है पिक्सार्ट पर बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। लेकिन गैस आज जो मैं एप्लीकेशन को यूज करूंगा, 3 मिनट के अंदर आपको बैकग्राउंड इरेज करके दिखाऊंगा। अगर आपको भी ये ट्रिक को सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट लेते हैं। ओके सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर मैं एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ कौन सी एप्लीकेशन को आपको यूज करना है। तो PSSCC को यूज करना है। तो ये एप्लीकेशन को कैसे डाउन करना है और कैसे यूज करना है सब कुछ बताऊंगा आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। और गाइस इसी एप्लीकेशन के बारे में बहुत सी बंदे को पता होगा, लेकिन गाइस आपको जिसको नहीं पता है आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, और जिसको पता भी वो भी वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, क्योंकि इस एडिट में इरेज के साथ साथ हेयर इरेज भी बहुत ही डिटेल से बताया हूँ। तो गाइस आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, आपका ही फायदा है। ओके सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है। तो ये एड फोटो का ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर फोटो लाइब्रेरी पर क्लिक करना है, और गाइस यहाँ पर गैलरी ओपन हो जाएगा। तो गैलरी को सिलेक्ट करके आपकी जो फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो फोटो को यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। तो फोटो को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेफ्ट इधर आपको एक टूल मिलेगा, तो ये टूल पर क्लिक करना है। तो इसी टूल को होल्ड कर रखना है इस तरह से प्रेस करके, और आपको 3 नंबर टूल पर इस तरह से ले जाना है, एंड गाइस आपको इस तरह से स्वाइप करके क्विक सिलेक्शन टूल पर ले जाना है। तो क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको मोड को प्लस रखना है। तो गाइस ये रहा मोड का ऑप्शन, सिंपल आपको मोड को प्लस रखना है। उसके बाद आपको ब्रश पर क्लिक करना है। तो गाइस ये रहा ब्रश का ऑप्शन, सिंपल आपको ब्रश पर क्लिक करके साइज को कुछ इस तरह से रखना है 200 के आसपास, तो 185 रखता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर आपको इस तरह से क्लोज करके आपको क्या करना है, आपको बॉडी के अंदर ही इस तरह से ड्रॉ करना है, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिंपल आपको इस तरह से ड्रॉ माना है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि लाइन क्रिएट हो रहा है, तो ये लाइन को आपको बॉडी के कॉर्नर एरिया पर रखना है, ना कि आपको बॉडी के बाहर लेना चाहिए, सिर्फ आपको बॉडी के कॉर्नर एरिया पर रख लेना है। तो गाइस यहाँ पर मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लाइन क्रिएट हो चुकी है। सो गाइस अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसी टूल पर क्लिक करना है। तो आपको दिखा देता हूँ ये टूल पर क्लिक करना है। तो इसी टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको रिफाइन एज पर क्लिक करना है। तो गाइस ये है रिफाइन एज का ऑप्शन, सिंपल आपको रिफाइन एज टूल पर क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है, ब्रश पर क्लिक करना है। ब्रश के साइज को थोड़ा प्लस कर लेना है, 100 के आसपास रख करके आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। साइज छोटा पड़ेगा तो आपको फिर से आपको ब्रश पर क्लिक करके यहाँ पर साइज को थोड़ा प्लस कर लेना है। तो गाइस मैंने साइज को यहाँ पर 200 के आसपास रखता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हेयर की एजेस पर आपको हल्का हल्का सा इस तरह से ड्रॉ करना है। हेयर की जो बाहर की एरिया पर आपको इस तरह से हल्का हल्का सा ड्रॉ करना है, अपने आप यहाँ पर हेयर डिटेट होकर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको फुल्ली हेयर के ऊपर कलर है। तो गाइस यहाँ पर मैं जल्दी से हेयर की जो एजेस पर यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। और गाइस आपको बियर के ऊपर भी आपको कलर है, तो यहाँ पर मैं जूम करके बियर के ऊपर भी यहाँ पर हल्का हल्का सा कर लेता हूँ। तो गाइस हेयर डिटेट और बियर भी डिटेट हो चुकी है। अभी आपको यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ करके आपको यहाँ पर डन कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर मैं डन करके बैक चलता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कैसे और क्या करना है। सो यहाँ पर डन हो चुकी है। अभी गाइस आपको यहाँ पर फिर से आपको ये टूल पर क्लिक करना है, और इसी टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो गाइस ये है एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन, सिंपल आपको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर बैकग्राउंड को हटा देना है। तो गाइस एक क्लिक में हमारी बैकग्राउंड हट चुकी है। अभी गाइस आपको फिर से आपको वही टूल पर क्लिक करना है, और फिर से आपको वही टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको डिसलेशन करना है। तो गाइस ये रहा डिसलेशन का ऑप्शन। तो डिसलेशन करने के बाद यहाँ पर जो लाइन हट जाएगा, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से इरेज हुआ है। तो गाइस आपको यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन लगा कर आपको दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पर इरेज हुआ है। तो सिंपल यहाँ पर मैं ग्रीन स्क्रीन को ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कैसे अच्छी तरह से इरेज हुआ है हेयर। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से हमारी हेयर इरेज हो चुकी है। बैकग्राउंड इरेज के साथ साथ हेयर भी बहुत ही अच्छी तरह से इरेज हो चुकी है। सो गाइस अभी आपको बताता हूँ कैसे आपको ये एप्लीकेशन को डाउन करना है। तो ये एप्लीकेशन को आपको गूगल या तो क्रोम ब्राउजर से डाउन कर लेना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, तो जाकर के आपको क्रोम से डाउन कर लेना है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले इस वीडियो में।